हेलो वियर्स, 2020 में कब मनाई जाएगी हरियाली तीज? जानिए हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त, हरियाली तीज व्रत की पूजा विधि और महत्व। वीडियो शुरू करने से पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के साथ एक घंटी है जिसे प्रेस करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, हरियाली तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। माता पार्वती ने शंकर भगवान को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। मान्यता है कि माता पार्वती के इस तप को देखकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इस दिन माता पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। हरियाली तीज भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का विशेष महत्व है। हरियाली तीज को कई जगहों पर तीजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। ये व्रत निराहार और निर्जला किया जाता है। हरियाली तीज हरियाली और कजरी तीज के बाद मनाई जाती है। इस बार हरियाली तीज 21 अगस्त को मनाई जाएगी। हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त, प्रातःकाल मुहूर्त सुबह 5:53 से सुबह 8:29 तक, अवधि 2:36। हरियाली तीज में पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:54 से रात 9:06 तक। हरियाली तीज व्रत के नियम, हरियाली तीज व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता। अगले दिन सुबह पूजा के बाद जल पीकर व्रत खोलने का विधान है। हरियाली तीज व्रत एक बार शुरू करने पर फिर इसे छोड़ा नहीं जाता। हर साल इस व्रत को पूरे विधि विधान से करना चाहिए। हरियाली तीज व्रत के दिन रात्रि जागरण किया जाता है। रात भर जागरण भजन कीर्तन करना चाहिए। हरियाली तीज व्रत की पूजा विधि, हरियाली तीज की पूजा सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में की जाती है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू रेत और काली मिट्टी की प्रतिमा हाथों से बनाई जाती है। पूजा स्थल को फूलों से सजाकर एक चौकी रखकर उस पर केले के पत्ते बिछाएं और भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। पौड शोपचार पूजन करें। इस व्रत की मुख्य परंपरा माता पार्वती को सुहाग की सारी वस्तुएं चढ़ाना है। हरियाली तीज की पूजा में शिवजी को धोती और अंगोछा चढ़ाया जाता है। बाद में यह सामग्री किसी ब्राह्मण को दान देनी चाहिए। तीज की कथा सुने और रात्रि जागरण करें। आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और हलवे का भोग लगाकर व्रत खोलें। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए हरियाली तीज पर कुछ खास उपाय किए जा सकते हैं। हरियाली तीज का महत्व, हरियाली तीज पर माता पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की कामना के लिए ये व्रत रखती हैं। हरियाली तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। माता पार्वती ने शंकर भगवान को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। माता पार्वती के इस तप को देखकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से अच्छे पति की कामना और पति की लंबी आयु के लिए हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। व्यूअर्स, अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं और इंग्लिश आपकी प्रॉब्लम है तो अटेंड करें लाइव क्लास बाय गौरव धवन सर, वोकैब इंग्लिश गुरु ऐप पर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया है हरियाली तीज व्रत का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। व्यूअर्स, आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं शेयर करें उन लोगों से जिन्हें इनकी ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।